आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें एक और चीज़ जानने वाले हैं, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या है वो? एमएस ऑफिस वर्ल्ड। ठीक है, एमएस ऑफिस में हम लोग वर्ल्ड को पहले समझते हैं। ठीक, वर्ल्ड में सारे वर्जन, मतलब कि जो चेंज होके आ रहे हैं उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं ना, तो सारे वर्जन लगभग एक ही है। ठीक है, एक ही जैसे, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की हम लोग को ज़रूरत नहीं ना। तो सो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, क्या है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी हम लोग का अगर टाइटल है, जो नेम हम लोग को देना है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया वो ऑफिस 2007 न्यू। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपना नेम दे सकते हैं टाइटल में, मतलब आपका जो नेम देगा फाइल को सेव करते वक्त वो यहाँ पे टाइटल में लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, कि क्रॉस बना, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन अपने यहाँ पे, ठीक, मिनिमाइज का ऑप्शन हो गया, या रिस्टोर डाउन कर सकते हैं हम लोग, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे सेव का ऑप्शन मिलता है, रीडू का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, अंडू का ऑप्शन मिलता है। ठीक, और यहाँ पे एक मिलता है हम लोग को कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल बार में वो होता है, जैसे मैंने अभी बताया वो हो गया टाइटल बार अपना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वाइक एक्सेस टूल बार में क्या क्या ऑप्शन होता है। ये क्वाइक एक्सेस टूल बार मतलब जो हम लोग ज़्यादातर तुरंत अगर हम लोग को यूज़ करना हो, ज़्यादातर यूज़ करने वाला टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को अगर न्यू फाइल्स वगैरह चाहिए हो, तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में मिल जाएगा डायरेक्टली। ये समझ लीजिए एक ऐसी जगह बनाई गई है जिसे हम लोग फटाक से यूज़ कर सके कुछ ऑप्शंस का, जैसे न्यू आता है उसमें, ओपन आता है, सेव आता है, ईमेल वगैरह करना है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, प्रिंट करना है, स्पेलिंग ग्रामर को चेक करना है। ठीक है, अंडू हो गया, रीड्यू हो गया। ठीक, तो इस तरीके ये सब ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो होते हैं अपना यहाँ पे। ठीक है, क्वाइक एक्सेस टूल बार। ठीक है, कस्टमाइज, इसमें ये सारे ऑप्शन मिल जाएगी आपको। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है अपना, कि मेन्यू बार, ये जो आप देख रहे हैं उसके नीचे, ठीक, टाइटल बार के नीचे वाला जो ऑप्शन आता है, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सब अपने किस में आते हैं, ये सब आता है अपने मेन्यू बार में। ठीक है, अब मेन्यू बार में हम लोग को अगर ये सब ओपन करना है, जैसे फाइल ओपन करना हो, तो हम लोग के पास शॉर्टकट्स क्यों होती है, जैसे अल्ट एफ यानी कि फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की है। होम को ओपन करना है तो अल्ट एच का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट का यू ओपन करना है तो हम लोग अल्ट एन का इस्तेमाल करेंगे, या आई होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग इसके बाद रेफरेंस वगैरह चेक करेंगे। इस तरह से आप लोग जितने शॉर्टकट्स दिख रहे हैं इसका यूज़ करके हम लोग ओपन डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे क्लिक करके एक बार क्लिक करेंगे, इंसर्ट ओपन हो जाएगा, पेज लेआउट ओपन हो जाएगा, ठीक, होम हो जाएगा ओपन, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है। ठीक है, तो वर्टिकल यानी कि जो वर्टिकल में स्क्रॉल बार है, जिसे ये ऊपर नीचे करने वाला स्क्रॉल बार है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है, ये नीचे से जो हम लोग यहाँ इस साइड कर सकते हैं राइट लेफ्ट, उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें, तो उसके बाद अपना आता है स्टेटस बार और टास्क बार। ठीक है, तो स्टेटस बार अपना ये होता है जहाँ पे हम लोग को पेज नंबर दिखाता है, जहाँ पे वर्ड्स वगैरह दिखाता है, कितने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, इस टाइप का। और हम लोग का जो टास्क बार है वहाँ पे वो नीचे जो डेट टाइम्स वगैरह दिखाई देता है, जहाँ पे हम लोग जहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं फाइल को, उसको कहते हैं। ठीक, अब हम लोग कुछ अदर शॉर्टकट्स की वगैरह देखते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट्स की वगैरह हम लोग जैसे वो लिखते हुए टाइम हम लोग अगर वो लेटर को बोल्ड करना है तो हम लोग कंट्रोल बी का यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक करना है कंट्रोल आई का यूज़ कर सकते हैं, और अंडरलाइन करना है कंट्रोल यू का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी भी है, लेफ्ट अलाइनमेंट में कंट्रोल एल, सेंटर अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल ई। ये अलाइनमेंट क्या होता है, यानी कि सेंटर को हम लोग को किस साइड से लिखना चालू करना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग को इंग्लिश वगैरह में लिखते हैं तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं लेफ्ट साइड से लिखना चालू करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए उर्दू वगैरह जो लिखी जाती है उर्दू लैंग्वेज में, तो वहाँ पे हम लोग राइट साइड से यूज़ करते हैं लिखना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे ऑफिस बटन और फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इसमें से चालू करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपना ऑप्शन क्या है, फाइल है, फिर होम है, इंसर्ट, तो इसको हम लोग लाइन से सारा अंदर का एक एक टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फाइल जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सेव आता है ऑप्शन, सेवेज आता है, ओपन आता है, क्लोज आता है। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन आपके पास, प्रिंट वगैरह, न्यू, ठीक है, ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख के बता दिया गया है क्या,
कि न्यू कंट्रोल एन के लिए, ठीक है, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस सेव करने के लिए कंट्रोल, और ये सेव एस के लिए हम लोग। अच्छा, सेव एस और सेव में अंतर क्या है? सेव हम लोग जो करते हैं वो हम लोग मेन फाइल को सेव करने के लिए करते हैं, ठीक है, जबकि जो सेव एस का हम लोग का यूज़ करते हैं उसका यूज़ किया जाता है, सेव एस का हम लोग यूज़ करते हैं उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सेव एस का यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर एक बार सेव कर दिए तो दोबारा वो सेव नहीं होगा, ठीक है, हम लोग उसको सेव एस करेंगे तब वो फिर से सेव हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन। उसके बाद कंट्रोल पी हो गया प्रिंट करने के लिए, प्रॉपर्टीज चेक करना है या सेंड करना है कंप्यूटर से, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, जैसे हम लोग मोबाइल्स वगैरह में सेंड करते हैं क्या, जैसे मोबाइल वगैरह में अगर सेंड करना होता है तो हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते, सीएट का इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज करने के लिए, ठीक। तो ये अपना फाइल का ये सारे ऑप्शन हो गए, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन होम्स के। होम्स में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड लिखा है, क्लिपबोर्ड के अंदर कुछ ऑप्शन है, उसके बाद फॉन्ट के अंदर कुछ ऑप्शन है, उसके बाद अपने पैराग्राफ के अंदर ऑप्शन है, ठीक। उसके बाद स्टाइल्स के अंदर ऑप्शन है, फिर उसके बाद एडिटिंग के अंदर ये सारे ऑप्शन है कुछ। तो हम लोग एक एक करके सारा ऑप्शन समझेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ ऑप्शन समझ लेते हैं, फिर बाकी बाद में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अपना होम्स को देखते हैं, ठीक है। होम्स में हम लोग का सबसे पहला आता है ऑप्शन क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको मिलेगा क्या? कट करने वाला, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस को कट कर लेंगे तो हम लोग कट करके उसको कहीं पे भी पेस्ट का यूज़ करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सेंटेंस को वहाँ से हटा के दूसरी जगह अगर हम लोग को रखना है तो वहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। उसी तरह कॉपी है तो कॉपी में कट नहीं होगा, बस खाली कॉपी हो जाएगा, उसके बाद दूसरी जगह हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके यूज़ हो गए और ये इस तरह से पेस्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मेट प्रिंटर क्या है? फॉर्मेट प्रिंटर यानी कि कोई भी हम लोग फॉर्मेट, यानी कि कोई भी हम लोग मान लो कोई यूज़ करते फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि ये मान लो जैसे मैंने एच बनाया हुई है अलग कलर, ब्लू कलर में है और कैपिटल लेटर वगैरह में, ठीक है। तो इसी तरह का मुझे फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे एस के सिलेक्शन के पास, तो मुझे करना क्या है कि यहाँ से कॉपी करना है, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करना है, उसके बाद मुझे जाके ये यहाँ पे जैसे मुझे ये एक मिनट दिखा रहे हैं आपको, ये किया मैंने, ये किया, ठीक है। उसके बाद उठा के इतने को कर दिया तो मेरा वो भी उसी टाइप में लिख के आ गया, ठीक है। अब मुझे अगर बैक करना है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से अंडू रीडू वाला ऑप्शन से मैंने हटा दिया उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगला ऑप्शन देखेंगे, तो ये हो गया अपना क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शन। उसके बाद हम लोग फॉन्ट्स के देखेंगे, तो फॉन्ट्स में सबसे पहले आता है फॉन्ट साइज वगैरह, ठीक है। तो जैसे मैंने ये चीज़ सिलेक्ट कर लिया मान लो, ठीक है, इसका अगर मुझे को मुझे फॉन्ट का अपना स्टाइल चेंज करना है तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं ये सिलेक्ट करते जाऊँगा अलग अलग लैंग्वेज में लिखते आएगा और अलग अलग फॉन्ट स्टाइल वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मुझे इसकी साइज़ चेंज करना है, ठीक है, तो साइज़ में यहाँ से मैं घटा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया अपना ऑप्शन दूसरा। उसके बाद फॉन्ट साइज के बाद ग्रो फॉन्ट क्या है? ग्रो फॉन्ट यानी कि फॉन्ट का साइज बढ़ाने वाला, ठीक है, ये होता है ऑप्शन। इसको अगर मैं क्लिक करते जाऊंगा तो ये ऐसे से बढ़ता जाएगा, अगर मैं इसको क्लिक करते जाऊंगा तो ये ऐसे से वापस शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसका यूज हो गया। उसके बाद ये हो गया ग्रो फॉन्ट यानी बढ़ाने के लिए और शेयरिंग फॉन्ट यानी कि घटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसमें क्योंकि फॉर्मेटिंग किया गया है, इसका फॉन्ट साइज चेंज किया गया है, बाकी उसमें साइज चेंज हुआ है, स्टाइल चेंज हुआ है, कलर वगैरह हुआ है, अगर मुझे इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो जैसा ओरिजिनल था वैसे में आ गया। अब देखिए आप लोग कि कितना छोटा सा और कितना अलग स्टाइल में दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे इसको वापस चाहिए तो मैंने फिर उसको वापस ले आया, ठीक है, और यही रीडो और इससे, ठीक है। अब उसके बाद अंडू से वापस आ गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला है क्या, बोल्ड इटैलिक। अगर मान लो कोई भी सेंटेंस को मुझे बोल्ड बनाना है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, तो बोल्ड करने के लिए तो डार्क में थोड़ा लिख के आएगा, इटैलिक चाहिए थोड़ा तिरछा लिख के आएगा, और अगर अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक। अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक होता है ये वाला ऑप्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक थ्रो यानी स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसके बीच में एक लाइन आ जाएगी इस टाइप की, ठीक है, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, ठीक। लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने वापस से क्या कर लिया, अंडू, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, सबस्क्रिप्ट यानी कि अगर हम लोग को जैसे 2 की पावर 4 लिखते हैं ना,
क्या होता है कि 2 की पावर 4 ऊपर होता है, 2 बीच में होता है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह का लिखना, या H2O हम लोग चाहे केमिकल वगैरह में फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि H लिखते उसके बाद 2 नीचे लिखते उसके बाद O लिखते हैं, ठीक है। तो जो नीचे लिखते उसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जैसे अगर मान लो मुझे ये D नीचे चाहिए, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन एक आएगा सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक किया तो ये देखिए D हम लोग का नीचे आने लगा। लेकिन अगर मुझे यही चाहिए, D ऊपर चाहिए, हर नहीं चाहिए बीच में चाहिए, तो उसको मैंने फिर से क्लिक कर दिया, हट गया। उसके अगर मुझे ऊपर चाहिए तो मैंने सुपर स्क्रिप्ट किया, ये ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने हटाना चाहा तो हट गया, ठीक है, क्लिक करके उसी पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का कलर आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन में कलर कर सकते हैं, ठीक, फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मुझे कलर चाहिए दूसरा, तो मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने वापस अंडू कर दिया, वापस मेरा आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और चेंज केस का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं कि जैसे अपर केस में चाहिए हम लोग को, यानी कैपिटल लेटर में चाहिए, या स्मॉल लेटर में चाहिए। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मुझे चाहिए पूरा कैपिटल लेटर लेटर में आए, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना है सिर्फ अब चेंज केस में, उसके बाद मैंने अपर केस कर दिया, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरा अपर केस में आ गया। अगर मुझे इससे लोअर केस में चाहिए, पूरा का पूरा लोअर केस में आ जाए, फिर मैं वहीं पे जाऊंगा, उसके बाद लोअर केस सिलेक्ट कर लूँगा, सब लोअर केस में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अंडू करके मैं वापस ले आता अपना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने क्लिप बोर्ड और फॉन्ट देख लिया, उसके बाद पैराग्राफ और बाकी चीज़ हम लोग इसमें आगे देखेंगे बाद में, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, ठीक। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, उसके बाद स्टाइल देखेंगे, एडिटिंग देखेंगे इसके ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंसर्ट चेक करेंगे, इंसर्ट में हम लोग पेज के बारे में पढ़ेंगे, टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना इलिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके अंदर के जितने ऑप्शन है सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद पेज लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पेज लेआउट के बारे में जितने ऑप्शंस है, उसके बाद रेफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारे ऑप्शंस को एक एक करके हम लोग लाइन से देखेंगे। उसके बाद मीटिंग्स में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है एक एक करके। उसके बाद रिव्यू में